Hello friends, how are you all? I welcome you in StudyUp.com. Today we will discuss current affairs of second week of month June. I'll cover all the questions comprehensively which will be really helpful for an exam. And I also provide extra information whichever is required. So let's start today's video. फ्यूचर में इंटरनेट ट्रैफिक को सेंड एंड रिसीव करने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का कर यूज करेंगे एफ टीपी यू आर एल क्विक या एस टी टीपी राइट आंसर इज क्विक और एफ टीपी की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और एसटीटी की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल नेक्स्ट क्वेश्चन फर्मिना केबल जो कि हाल ही न्यूज में थी वो किस कंट्रीज के बीच में बिछाई जा रही है यू एंड अर्जेंटीना यू एंड चाइना रसिया एंड इंडिया एंड इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान द राइट आंसर है यूएसए एंड अर्जेंटीना ये अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से शुरू होकर अर्जेंटीना तक जाएगी और किस कंट्री के थ्रू पास करेगी ब्राजील एंड उरुग्वे और फर्मिना केवल के नाम पर दिया गया है ब्राज़ील की क्राइटर है मारिया मारिया फर्मीना मारिया फर्मीना के नाम पर इसका फर्मीना केबल नाम दिया गया है और फर्मीना केवल है क्या एक लार्जेस्ट ओपन सब्सी केबल है ओके और इसके थ्रू इंटरनेट फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा अर्जेंटा अर्जेंटीना की कैपिटल है व्यूनि साइरिस अर्जेंटीना के प्लेयर है डिनोल मैसी और अर्जेंटीना के प्लेयर थे मारियो और डियागो मारिडोना मारिडोना उनकी okay. लास्ट ईयर डेथ हो गई थी ओके और इंडिया के एक सेटेलाइट मैन है इनका नाम है उडुपी रामाचंद्रा राव गूगल ने उनका डूडल बनाया था उनकी एटी नाइन्थ एनिवर्सरी पर ओके और गूगल ने हाल ही में कुछ लॉन्च किए हैं वो को बता देता हूँ इसी वेबसाइट लॉन्च करी है स्टार्टअप कूल और एक वुमेन के लिए लॉन्च करी है वुमेन विल वेबसाइट फरारी का नेक्स्ट ईयर किसको चुना गया टिम को जेक्टोरसी बैडेट ऑफ विकना या डगलस स्टोअर्ट ये चुना गया है बैडेट ऑफ विकना को और डगलस स्टोर्ट तो कौन है इनको वो बुकर प्राइस दिया गया था इनके लास्ट ईयर किस बुक के लिए सगीबेन और टिम को किस किस यू है एप्पल के सी ई और जैक डॉसी ट्विटर के सी ई है और फरारी कहाँ की कंपनी है ये इटली की कंपनी है इटली की, की एक और कंपनी है फेट और जी ट्वेंटी सबमिट कहाँ हुआ था इस साल का ये हुआ था इटली में और ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेंटी टू का कहाँ होगा इंडोनेशिया में और टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का कहाँ होगा इंडिया में और पी एम कौन है इटली के मारियो ड्रागी और जी सेवन सबमिट इस साल कहाँ हुआ था ब्रिटेन में नेक्स्ट पे चलते हैं डिप्टी गवर्नर्स आर में कितने होते हैं फोर फाइव सिक्स सेवन ये होते हैं फोर आपको इनके नाम बता देता हूँ फोर होते हैं एक हैं एम एम राजेश्वर राव माइकल पात्रा टी रविशंकर और एक हाल में चुने गए हैं महेश कुमार जैन इनका टर् इनका चुने नहीं गए हैं इनका टर्म जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है और आर के बारे में बता देता हूँ आर ने बजाज फाइनेंस को परमिशन दे दी है कि वो अपना प्रीपेड स्टोर स्टार्ट करते मतलब वो अपना मोबाइल वॉलेट स्टार्ट कर सकते हैं और इसने लाई आर बी ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है बंगाल वेस्ट बंगाल के एक बैंक है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और एक आर ने एक कमेटी बनाई है जो कि आर आर ए को रेगुलेट करेगी जो रिव्यू करेगी रेगुलेशन रिव्यू कमेटी और उसका वर्जन टू हुआ और इसके चेयरमैन इसको बनाया गया एम एमराजेश्वर राव को जो कि डिप्टी गवर्नर है आरबीआई में और इस कमेटी की हेल्प करने के लिए एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है वो कौन है एस जानकी रमन एक एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन चुने गए हैं दो किसके पैन प्रिंट प्राइस से किसको नवाजा गया है सिंगी राम रामगा और ये के हैं ये जिम्बाबे के और जिम्बाबे की कैपिटल क्या है हरारे इनकी बुक है एक जो बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट की गई थी उसका नाम है द मॉर्नेबल, द मॉर्नेबल बॉडी ओके और इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज इसको दिया गया डेविड डायोप को और ये कहाँ के? फ्रांस के। और इनकी बुक कौन सी है उनकी बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन से हैं लिनल मेसी सुनील छेत्री क्रिस्टियन रोनाल्डो या लुइस सोरेज द राइट right आंसर इज क्रिस्टन रोनाल्डो और ये कहाँ के हैं पुर्तगाल के हैं और सेकंड नंबर पे कौन है सुनील छेत्री इनके सेवेंटी फोर गोल्स हो गए और लिनल मेसी के सेवेंटी थ्री गोल्स हैं अब देखना ये है कि करियर एंड होने तक सबसे ज़्यादा गोल्स किसके रहेंगे ओके और फीफा के हेडक्वार्टर का है जूरिक में जो कि स्विट्जरलैंड में और और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है जियानो जियानी फीफा के प्रेसिडेंट में लिख देता हूँ जो पूछा जा सकता है जियानी इन्फेंटिनो और यू यू ई का हेडक्वार्टर कहा यू एफ ए का हेडक्वार्टर का नियोन जो भी जो कि स्विट्जरलैंड में है हाल ही में क्रिकेट की कोचिंग वेबसाइट खोली लॉन्च की गई है वो किसने करी है वो वो लॉन्च करी है वीरेंद्र सहवाग और संजय बांगर ने और सुरेश रैना ने अपनी अकेडमी कहाँ खोली है जम्मू कश्मीर में सुरेश रैना की क्रिकेट अकेडमी कहाँ खोली है जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट क्वेश्चन आठवीं इंटरनेशनल नेटवर्क एडमिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऐड की गई ये की गई जर्मनी में और जर्मनी की कैपिटल के बर्लिन और जर्मनी में हमारे एम्बेसिडर कौन है मुख्ता तोमर और नाइट्रोजन हमारे एडमर्स में सेवेंटी में परसेंट है और सेकेंड नंबर पर कौन सी गैस हमारी मिलती है ऑक्सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के चेयरमैन केस चुना गया है फिना के का हेडक्वार्टर कहाँ है ये इसका हेडक्वार्टर है लॉजैन में जो कि स्विटरलैंड में है और इसका चुना गया हुसैन अनुसलम को और ये कहाँ के हैं कोवैत के और वीरेंद्र नानावटीज के मेंबर चुने गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार इंडिया दो हज़ार इक्कीस से पच्चीस के बीच में कितनी विंड एनर्जी को इंस्टॉल करेगा दैट इज़ दो हज़ार बीस गेगा और इंडिया का टारगेट कितना है एक दो हज़ार बाईस तक रिन्यूएबल रेनुव, एनर्जी का ये है एक सौ पचहत्तर गी और सौ गी कितना है सोलर और किसका है सोलर एनर्जी का और नाटो का हेडक्वाटर का है ब्रुसेल्स में और इंटरनेशनल डेटी फेडरेशन का हेडक्वार्टर का है ब्रुसेल्स में और इसमें हेडक्वार्टर एक हेडक्वार्टर और है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट कुछ चलते हैं मंगोलिया के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं उनका नाम क्या है उनका नाम है ओखना खुरेल शुक मंगोलिया की कैपिटल क्या है उलान बटेर और यहाँ की करेंसी के टॉगरोग यहाँ की करेंसी क्या है टॉगरोग और यहाँ के यहाँ पे एम कौन है एम पी सिंह मंगोलिया में डेजर्ट है गोभी डेजर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की गई है टाइम्स हायर एज टाइम टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में टॉप किसने किया ये टॉप किया है चाइना की एक यूनिवर्सिटी है सिंगो यूनिवर्सिटी इसने टॉप किया और सेकंड नंबर पे भी चाइना की यूनिवर्सिटी है इसका नाम है पैकिंग

स्क्राइट आंसर है वन एम जी पाक वक् क्या है पाकिस्तान ने एक वैक्सीन कोविड की वैक्सीन विकसित की है चाइना के साथ और स्पुतनिका की वैक्सीन है और ये रशिया की वैक्सीन है नेक्स्ट क्वेश्चन बहरीन में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम इसमें वहाँ पे सोलह मैंगो की वरायटीज़ को एक्सपोर्ट किया जाएगा जिसमें कि कुछ फेमस वराइटीज़ वै, हैं जैसे खिरसापति और लक्ष्मणभोग है वेस्ट बंगाल की और जद जरदालू आम है बिहार का आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट वरायटीज़ बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं जैसे कि हापुस आम है महाराष्ट्र का जरदालू आम बिहार का अल्फांसो आम महाराष्ट्र और यूपी के आम है एक है जैसे कि लंगड़ा आम अंबिका आम दशहरी आम ये यूपी के हैं और हिमाचल प्रदेश का जो आम है उसका नाम है चौसा आम गुजरात का जो आम की वैरायटी है उसके एक का नाम है केसर और एक का नाम है वनराज और कर्नाटक की जो आम की वैरायटी है उसका नाम है तोतापुरी और मालगोवा आंध्र प्रदेश की जो वैरायटी है उसका नाम है बंगनपल्ली बंगनपल्ली और स्वर्णरेखा स्वर्णरेखा ओके okay. और और हमारी जो एक्सपोर्ट के लिए प्रमोशन के लिए जो एजेंसी काम करती है उसका नाम है अपीडा और अपीडा का हेड क्वार्टर का न्यू दिल्ली में और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है या तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर और ये कब बनाई गई थी तेरह फेब नाइन्टीन एट्टी सिक्स को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेशन समुद्र सेतु का सेकंड वर्जन जो चल रहा है उसकी जो थर्ड थर्ड ट्रिप लगी है उसमें हमारा आई आए, एन एस तरकस गया है और ये वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई और कोविड से रिलेटेड वैक्सीन या मेडिसिन की सप्लाई करने के लिए भेजा जा रहा है नेक्स्ट स्टीओ जल शक्ति ने स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें एक सोलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अरेंजमेंट किए जाएंगे और ओपन ओ डी एफ प्लस को रेगुलेट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च करी है और इसमें जो फंड के इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा चालीस हज़ार सात सौ करोड़ रुपये का और ये कब तक क्लिक करना है दो हज़ार इक्कीस से दो हज़ार बाईस के लिए एक ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है एम वी लेक डी फर्स्ट के वैसे पनाम अपने इतिहास में पहली बार कोलकाता पोर्ट पर पहुंचा और कोलकाता पोर्ट का नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट नेक्स्ट नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन से मिलकर एक एक स्कीम लॉन्च करी है एक कैंपेन लॉन्च करी है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम इस अभियान में क्या हुआ कि जो एक सौ बारह एस्प, एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर जो भी कोविड के पेशेंट हैं और या जिसको सिम्टम्स हैं उनका टेक केयर किया जाएगा और इसको लेट करेंगे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इसमें जो पार्टनर होंगे वो वह होंगे वहाँ के लोकल एन और एक लाख से ज़्यादा वॉन्टियर्स इसमें अनलिस्ट किए जाएंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई दो हज़ार बाईस के लिए जिसमें टॉप टू हंड्रेड में, में हमारे तीन इंस्टीट्यूट आए हैं और आई टी बॉम्बे में जिसमें आया है वन सेवेंटी सेवन पोजिशन पर आई टी दे डेली आया वन एट्टी फाइव रैंक पर और आई आई सी बैंगलोर जो है वो वन सिक्स रैंक पर आया है और वर्ल्ड में जो टॉप एजेंसी इंस्टीट्यूट है वो हमारा आई एस सी बैंगलोर रिसेंटली अनुपचंद पांडे को हमारा नया इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र है और जो इलेक्शन कमिश्नर दूसरे हैं वो हम राजीव कुमार सीईसी के अंडर दो इलेक्शन कमिश्नर काम करते हैं वन इज राजीव कुमार वन इज अनुपचंद पांडे ने, नेक्स्ट हाल ही में इंडिया थाईलैंड का जो कॉर्पोरेट होता है उसके थर्टी फर्स्ट एडिशन किया गया है और इसमें जो हमारा जहाज़ किया था वो था आई एन एस सरयू और और थाईलैंड का जो जहाज था वो था हिज मजस्थी थाईलैंड से जिसका नाम है क्रापी ओके और थाईलैंड के साथ हम दो एक्सरसाइज और करते हैं वन इज मैत्री सेट और सेकेंड वन इज श्याम्बार और एक करते हैं सेटमैक जिसमें कि सिंगापुर भी होता है और थाईलैंड के जो राजा हैं उनका नाम है राजा महावजीरा लॉन्गकॉन और इनसे पहले जो राजा थे उनका नाम था राजा भूमि और इनके नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है वर्ल्ड चाल अवार्ड और इस साल का किसको मिला आईसीआर को इंडियन इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च और थाईलैंड की जो कैपिटल वो बैंकॉक और यहाँ की करेंसी है बहत एक थाईलैंड ओपन हुआ था जो कि बैडमिंटन के लिए खेल, दिया जाता है खेला जाता है इसके जो चैंपियन रहे थे वो थे इस बार कैरोना मारे वो कहां किए स्पेन की और मैन के लिए इसको मिला था विक्टर एक्सलसन को और वो कहां के डेनमार्क के और थालैंड में जो हमारे एंबेसडर है उनका नाम सुचित्रा द्रॉय नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने जिसके मंत्री हमारे थावरचंद गहलोत उन्होंने एक हॉस्टल लॉन्च किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भवन और ये कहाँ किया गया सिकंदराबाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोरिस जॉनसन के इनवाइट में फोर्टी जी सेवन जीट समिट में पार्टिसिपेंट की पार्टिसिपेशन किया था और इस बार इसका थीम था बिल्ड बैक बेटर नेक्स्ट कुछ ऑबिच्यूरीज रिसेंटली हुई हैं श्री दिंकू सिंह वो एक आउटस्टैंडिंग बॉक्सर थे एक कन्न राइटर की डेथ हुई है डॉक्टर सिद्धाली नगैया एक न्यूरोलॉजिस्ट थे डॉक्टर अशोक पंगारैया रामकृष्ण मठ के एक स्वामी थे स्वामी शिव जी महाराज उनकी डेथ हो गई और एक नोटेड इकोनॉमिस्ट थे और पर्यावरण से रिलेटेड थे प्रोफेसर राधामोहन जी की डेथ हो गई और श्री बुद्ध साहब दासगुप्ता जो कि एक फिल्म थिंकर पोइट थे उनकी डेथ हो गई नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने शाहापुर में राम प्रसाद बिस्मल जी की एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी है और इनका जन्म कब हुआ था इलेवन जनवरी एटीन नाइन्टी सेवन को उनका जो पैन नेम था जिस नाम से ये लिखा करते थे वो था बिस्मिल इन्होंने एच के फॉर्मेशन किया था भगत भा, सिंह के साथ और चंद्रशेखर राजस्था के साथ मिलकर और एक मैनपुरी कॉन्स्परेशी में पार्टिसिपेट किया था जो हुई थी नाइन्टीन में और काकोरी कॉन्पेषी कौंस, की गई थी थी में जिसमें अश्फाकुल्ला खान और रोशन सिंह ने उनके साथ प्रोटेस्ट किया था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में इनको गोरखपुर जेल में डाल दिया था नाइनटीन दिसंबर नाइन्टीन को जब तीस साल के थे और इनका जो रोल था वो काकोरी कॉन्स्पसी में लीड रोल में था और उसके बाद इन्होंने जब जेल में थे इन्होंने एक पोइम लिखी थी सरफ्रोजी की तमन्ना और मेरा रंग दे बसंती चोला और इनकी जो एक पैम्पलेट लॉन्च की गई थी वो थी देशवासियों के नाम पैम्पलेट और एक थी इनकी पोइम थी मैनपुरी की प्रतिज्ञा नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन इसमें बताया गया कि स्टूडेंट एनरोलमेंट की जो ग्रोथ है उसमें एलेवन पॉइंट फोर परसेंट ग्रोथ आई है 2015 से 16 से और जो फीमेल एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में उसमें एक ग्रोथ दिखाई गई है एटीन पॉइंट टू परसेंट और ग्रोथ एनरोलमेंट रेशू जो है हायर एजुकेशन के लिए वो दिखाया गया है ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन परसेंट नेक्स्ट जस्टिस संजय यादव को अलाहाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है नेक्स्ट एरोसोल जिनका साइज जो होता है थ्री मीटर से कम होता है हाल ही में उनका क्लाइमेट पे काफी बड़ा इंपैक्ट दिखाई जा रहा है एरोसोल का मोस्टली इफेक्ट देखने को मिल रहा है जो इंडिया के अर्बन लोकेशन से वहाँ पर जम्मू कश्मीर में देवका रिवर एक नेशनल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिस और ये देवका नदी को किसकी सिस्टर रिवर बोला जाता है गंगा की और एक उधमपुर जो कि जम्मू कश्मीर है वहाँ पर एक ब्रिज भी है देवका ब्रिज नेक्स्ट उड़ीसा में एक हाल ही में राजपर्व आयोजित किया गया था नेक्स्ट इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए इनका नाम है नफ्टाली बैनेट और इनकी जो पार्टी वो है यमीना पार्टी और इसराइल में न्यू प्रेसिडेंट भी चुने गए थे उनका नाम था इसाक हरजौक की संसद को क्या बोलते हैं नेसेट नेसेट और इसराइल में जो एम्बेसडर है उनका नाम है संजीव सिंगला इसराइल ने अमेजॉन जिसका प्लेटफॉर्म ए डब्ल्यू एस और गूगल के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें कि फास्ट इंटरनेट प्रो, इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा उसका नाम है एनबस प्रोजेक्ट और इन, इन और इज़राइल ने एक लूनर मिशन एक लॉन्च किया है बी आर शीट टू और इन्होंने इंडिया को हीरोन लीज पे दिया है किराए पे दिया और इसराइल में एक डेजर्ट है नेगेव डेजर्ट और नेगेव के नाम पे इसराइल जा, इस ने इंडिया को लाइट मशीन गन भी दिए हैं और लास्ट ईयर दी गई थी अराडा और कार्मेल गन नेक्स्ट मिस्टर स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर जिसके मंत्री मनसुख मांडविया उन्होंने वर्चुअली इनोग्रेट किया है एक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो कि कहाँ पर है प्राग, प्रागपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में उनका जो टारगेट है वो मार्च दो हज़ार थी, बीस दो तक दस हज़ार जन औषधि केंद्र बनाने के लिए इसका जन औषधि केंद्र का मतलब ये है कि ये जेनरिक मेडिसिन जो है उनको ईजिली मतलब अफोर्डेबल प्राइस पर लोगों को अवेलेबल कराते हैं नेक्स्ट आई टी रोपण ने एक जीवन वायु डिवाइस बनाई है इसमें क्या है जो भी जिनको भी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है उनको इस डिवाइस के थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई करी जाएगी और ये पहली फर्स्ट पावरफुल सी पी एपी डिवाइस जिसका नाम दिया गया जीवन वायु नेक्स्ट बुर्किना फासो जहाँ पे हाल ही में एक सौ साठ लोगों की डेथ की गई एक गांव के अंदर और अफ्रीका के बुर्किना फासो का बता देता हूँ ये कि वेस्टर्न अफ्रीका में कंट्री है जो कि लैंड लैंडलॉक्ट है और इसकी जो कैपिटल वो है वो आगढ़ा होगा और इनकी जो इकोनॉमी बेस्ड है मोस्टली ऑन एग्रीकल्चर और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है रॉज कैबोर नेक्स्ट इंटरपोल ने एक डीएनए डेटाबेस लॉन्च किया है इसमें क्या हुआ कि अगर कोई पर्सन मिसिंग है तो उसका उसके डीएनए को ले लिया जाएगा और उसके सर्वर पे डाल दिया जाएगा उनके डेटाबेस में जो कि ग्लोबल ग्लोबली डेटाबेस होगा और उसके बाद उसके डीएनए को उसकी फैमिली मेंबर से या मतलब फैमिली से मैच किया कराया जाएगा और इसका जो नाम दिया गया है वो दिया है आई फैमिलिया और इस सॉफ्टवेयर को किसने बनाया एक कंपनी है डच की बोना पार्ट कंपनी इसका नाम है स्मार्ट रिसर्च और आई इंटरपोल के बारे में बता देता हूँ इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर दिया है महाराष्ट्र पुलिस को जिसका नाम है क्रॉलर और क्रॉलर का काम क्या होगा कि ये काम किया जाएगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के और इसके लिए महाराष्ट्र पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट भी डिजाइन करी है बनाई है उसका नाम है ट्रेस यूनिट और इन्होंने एक ऑपरेशन पेनजिया 14 लॉन्च किया है उसमें क्या हुआ है इन्होंने जो भी मेडिकल की ट्रेड की इलीगल कर रहे थे काम कर रहे थे उनके जो वेबसाइट लिंक्स थे उनको डाउन करते और करीब 1 लाख से ज्यादा वेबसाइट लिंक्स थे उनको डाउन कर दिया है नेक्स्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट निकाली है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इसमें बताया गया है कि एनर्जी पॉलिसीज़ को कैसे बनाएं और उनका डेवलपमेंट उनकी एनर्जी सिक्योरिटी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को तो ध्यान में रखते हुए नई पॉलिसी को कैसे डिजाइन करें आई ई ए का जो हेडक्वार्टर हो पैरिस और ये कब गठन किया गया था इसका नाइनटीन में ये दो रिपोर्ट और निकालती है वर्ल्ड एनर्जी आउटटक रिपोर्ट और ग्लोबल एनर्जी रिव्यू नेक्स्ट एक इंडेक्स लॉन्च किया गया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इसको निकाला है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो अंडर किसके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन के इसने इसकी जो कैटेगरी डिजाइन करी गई है वो दो कैटेगरी है आउटकम्स और गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट और इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो है पंजाब की और सेकंड नंबर पर रहे हैं तमिलनाडु एंड कर्नाटक नेक्स्ट लामू पोर्ट जो रिसेंटली न्यूज में था ये केन्या का सेकंड डीप वाटर पोर्ट है और पहला जो पोर्ट था वो था तो इनका मुबासा पोर्ट और ये किसका पार्ट एक लापसाइड पार्ट एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसका पार्ट है नेक्स्ट इज पतसाला रिवर जो न्यूज़ में थी वहाँ पे क्या हुआ कि ओडिशा में जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है उनकी डेथ की हो गई है और ये कहाँ पे पड़ता है ये रिवर कहाँ फ्लो करती है भीतर कन्या जो नेशनल पार्क है वहाँ फ़्लो करती है और यहाँ पे तीन तरीके के क्रोकोडाइल पाए जाते हैं घरे घड़ियाल मगर और साल्ट वाटर क्रकोडाइल और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में और अंड अंडमान निकोबार में भी ये घड़ियाल मिलते हैं और इनका जो आयुष स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड नाइनटीन वो स्टेटस इनका शेड्यूल वन में और साइट्स में इनका जो स्टेटस है वो अपनडेक्स पर और इनके जो थ्रेड्स हैं वो क्या इलीगल हंटिंग हैबिटेट लॉस और एंटीपाटोवर्ड्स स्पीज मतलब इनको देख के जो डर वगैरह लगता है उसकी वजह से लोग इनको मार देते हैं क्योंकि ये मैनीटर होते हैं इस वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है सी नॉट जो कि रिसेंटली न्यूज़ में थी उसमें क्या हुआ है एक तरीके ग्रीन एलगी की आ, होती है और इसकी स्लमिलियर होती है और इसकी वजह से क्या होता है मरीन एको सिस्टम को बहुत डैमेज करती है इससे फिजिक्स की डेथ हो जाती है मरीन एको सिस्टम पॉल्यूट हो जाता है और एक क्यों फॉर्म होती है ये फॉर्म होती है जब एलगी ओवरलोड हो जाती है किसी न्यूट्रेंट से न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट जब ज़्यादा हो जाता है तब सी नॉट फॉर्म होता है और एक सरफेस के हंड्रेड फीट डाउन तक जा सकता है और ये काफ़ी पॉइजनस होता है इस वजह से मेरी इको सिस्टम पॉल्यूट हो जाता है और जो इको सिस्टम की जो स्पिसीज है उनकी डेथ होने लग जाती है सी ऑफ मरमरा जो है वो किसको कनेक्ट करता है ब्लैक सी को एगनसी से नेक्स्ट जी सेवन कॉरपोरेट टैक्स जी लेक हुई है उसमें कहा गया है कि जो भी कॉर्पोरेट टैक्स होगा वो मिनिमम फिफ्टी परसेंट होना चाहिए और इसका इंडिया को बेनिफिट क्या हुआ कि इंडिया विल अट्रैक्ट मोर एफ टी आई इन द कंट्री नेक्स्ट यू एन के प्रसिडेंट चुने गए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अब्दुल्ला साहिद और ये कहाँ के हैं ये मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं मालदीव की कैपिटल माले डेनमार्क ने अप्रूव कर दिया अपनी एक बिल्डिंग को बनाने के लिए जो कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे कोपन में जो कि बाल्टिक सी के करीब है लेटन होम और इसमें इसमें कुछ एनवायरमेंटल ने इशूज़ उठा दिए हैं कि, कि, कि इसकी वजह से एनवेंट पॉल्यूट होगा सोयल का जो फ्रेगमेंटेशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और मरीन इकोसिस्टम को भी पॉल्यूट करेगा नेक्स्ट श्री विलुपुतुर मैगमलाई जो कि तमिलनाडु का फिफ्ट टाइगर रिजर्व है और इंडिया का फिफ्टी फर्स्ट टाइगर रिजर्व है और इसमें तमिलनाडु में पांच टाइगर रिजर्व और है मधुमलाई अनामलाई सत्यमंगलम और कलक्कड़ नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन इसका हेडक्वार्टर हेक में है और इसको टू थाउजेंड थर्टीन में प्राइज नोबल प्राइज भी दिया गया था इसकी इवेंट ये हुई है कि इसने सीरिया की कंप्लीट करी है कि उसने रिसेंटली में कई सारे केमिकल वेपन्स को टेस्ट किया है नेक्स्ट एडवका नोब ये एक बायोट्रेक बनाया गया है अल्जाइमर डिसीज़ के लिए जो कि एक न्यूरो न्यूरोस का एक डिसीज़ होती है और एक किस कंपनी ने बनाया है बायोजेनिक कंपनी है उस कंपनी ने बनाया है नेक्स्ट असम के बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ असम का जो सेवंथ नेशनल पार्क बना है वो है देंग पटकई और इसमें जो छह नेशनल पार्क है वो है काजरंगा मनास नामेरी ओरंग डेब्रूसाई और रायमोना रायमोना भी रिसेंटली बनाया गया था वो बना है, और सेवंथ बनाया देंग पटकई और यहाँ पर एक स्कीम चल रही है मुख्यमंत्री शिशु ससुचे, सेवा ससुचे, चौनी योजना और अनुधत्ति योजना और ए ने लोन दिया है असम को तीन मिलियन डॉलर का नेक्स्ट सदर सरोवर डैम है गुजरात में जो कि एक तरीके का ग्रेविटी डैम है और किस नदी में बनाया गया नर्मदा रिवर पर जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है ये वॉल्यूम के कंपेयर वॉल्यूम के हिसाब से सेकेंड बिगेस्ट डैम है और कॉन्क्रीट में ये थर्ड हाइस्ट डैम है और इसके इस प्रोजेक्ट से किसको फायदा होगा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और गुजरात को नेक्स्ट अड्डू अटोल जो कि इंडिया डिजाइन कर डेवलप कर रहा था मालदीव ने जो कि कोरल रीफ है और इसके मालदीव की जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है मोहम्मद शोले और इन्होंने कहा है रिसेंटली जो न्यूज़ उन्होंने दी है उन्होंने उसमें कहा गया है कि ये इंडिया के कंसुलेट नहीं खोलेंगे आडो में उसके बाद आर्गोस्टैम और क्वारंटेना आर्गोस एक कॉफी प्लग की फैमिली प्लांट है उसको डिस्कवर किया गया है हाल ही में वैगम हिल्स जो कि केरला में है नेक्स्ट बोरिस जॉनसन और जो के बीच में हाल ही एक चार्टर साइन किया गया एटलांटिक चार्टर और इससे पहले ये इस चार्टर साइन किया गया था नाइनटीन में नेक्स्ट इज बीट मॉडल बीट मॉडल क्या है एक फसल बीमा योजना है जिसमें कि फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाएगा अगर किसी भी तरीके से क्रॉप फेल्योर होते है चाहे वो सीजन से फेल्योर हो चाहे इरीगेशन की कमी से हो उसमें जो इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा फार्मर्स को और इसका अभी लॉन्च किया गया बीट मॉडल में और मास गवर्नमेंट ये चाहती है कि पूरे स्टेट में इसको स्प्रेड किया जाए नेक्स्ट हाल ही में जब यू एस प्रेसिडेंट की जो बाइडन की जब पहली ट्रिप लग रही थी तब उनका जो प्लान था एयरफोर्स वन उस पर स्वयं का एक स्वयं था सीसटिस ब्लूडो एक्स उसने अटैक कर दिया अटैक क्या कर दिया उसने क्या किया कि काफ़ी सारे अमाउंट में आए तो उस वजह से उनकी जो फ्लाइट है वो डिले हो गई और ये होता क्या है ये पेंसिल्वेनिया में मिलता है और तेरह से सत् साल तक अंडरग्राउंड रहता है और उनकी जो मेल की मेल होते हैं उनकी जब इकट्ठे होकर साउंड निकालते हैं अराउंड टेन हंड्रेड डिसिपल तक वो साउंड की फ्रिक्वेंसी हो जाती है नेक्स्ट ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स निकाला गया है ए के द्वारा और इसमें जो फर्स्ट रैंक हासिल किया वो कि ऑकलैंड ने जो कि न्यूजीलैंड में है और इसमें जो लास्ट सिटी रहा था वो था सीरिया सीरिया का जो सिटी था डोमेस्कस इसमें 140 सौ चालीस सिटी का सर्विस किया गया था और ए का हेड क्वार्टर है लंडन में और उसको ये एस्टेब्लिस किया गया था नाइनटीन में नेक्स्ट एनविजी मिशन जो कि चलाया जा रहा है यूरोपियन एजेंसी द्वारा और ये किस मिशन के लिए किस प्लेनेट के लिए होगा ये होगा विनेश मिशन के लिए आपको नासा के कुछ प्लेट मिशन uh, बता देता हूँ नासा ने हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया जोस मिशन जोगा जो जुपिटर जो मिशन के लिए दो टेलीस्कोप लॉन्च करे हैं जेम्स वेब और नैसीग्रेस रोमन टेलीस्कोप नासा का स्पेस क्राफ्ट है जो कि रेक्स दो साल के बाद दो साल में लौटा है अपने नासा का स्पेस क्राफ्ट है रेक्स वो एस्ट्रेट बे, बेनू से लौटा है दो साल में दो में और उसके बाद उन्होंने नासा के विनेस मिशन के लिए दो दो प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं वन इज वेरिटास और सेकेंड वन इज दावंसी प्लस नेशनल कमोडिटी एंड डायरेटिक चेंज के नए एम डी एस के इसको बनाया गया अरुण रास्ते को नेक्स्ट हेरिटेज ट्री महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो भी ट्री पचास साल से पुराने हैं उनको हेरिटेज ट्री का स्टेटस दिया उनको कहा गया है जी टैग किया जाएगा और अगर किसी को मॉनिटरी कंपनीशन देना है तो वो भी अलाउड है उसके बाद ट्री का सेंसस हर पाँच साल में किया जाएगा और एक ट्री से भी लगाएगी स्टेट अथॉरिटी और उसका अगर कोई इसको वॉलिट करता है तो उस पर फाइन लगाया जा सकता है वन लाख तक नेक्स्ट पीएम मोदी ने ई e हंड्रेड इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया पुणे में आपको पुणे के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जैसे कि पुणे में एक डी की लैब है ए उसने एक लाइटवेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाइए और पुणे में ही पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी सेंटर खोला जा रहा है और पुणे की मेट्रो के लिए ए द्वारा लोन दिया गया छः सौ मिलियन यूरो का और ए का हेड क्वार्टर कहाँ है लग्जमबर्ग में नेक्स्ट बाल स्वराज उसको लॉन्च किया है एन ने एन ने एक पोर्टल है इसमें क्या जाएगा ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल है चाइल्ड जिसको भी अ, कोविड की वजह से केयर की जरूरत है प्रोटेक्शन की जरूरत है वो बाल स्वास्थ्य पोर्टल पे लॉग इन कर अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर सकते हैं और इसमें क्या होगा और एक एन क्या है एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड राइट्स है और इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर हेल्पलाइन भी लॉन्च करी थी संवेदना नेक्स्ट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीकरण माधव वैद्य एक एम साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ जिसमें uh, सेटअप किए जाएंगे छः पेट्रोकेमिकल uh, प्रोजेक्ट और ये कहाँ एस्टेब्लिश किए जाएंगे पड़ोदरा में नेक्स्ट नीति आयोग की फैक्ट्स बता देता हूँ नीति आयोग के जो चेयरमैन चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर और जो वाइस चेयरमैन होते हैं होते हैं राजीव कुमार वो हैं राजीव कुमार और नीति आयोग के सी कौन है अमिताभ कान नीति आयोग ने हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के साथ एक प्रोजेक्ट योजना लॉन्च करी है अटल इनोवेशन मिशन प्राइम इसमें क्या होगा जो भी साइंस के स्टार्टअप्स होते हैं उनको फंड दिया जाएगा इन्होंने ट्राईफेड के साथ एक स्कीम एक योजना लॉन्च करी है वनधन योजना जो कि एक सौ बारह एस्पेरेशनल डिस्ट्रिक्स में चलाई जाएगी और इसमें को लीड कौन करेगा जहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उन्होंने मेलिंडा और गेट्स फाउंडेशन के साथ एक स्कीम लौ, लॉन्च करी है पोषण ज्ञान नीति आयोग ने दो पीएसबी का प्राइवेटाइजेशन के लिए रिकमेंड किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक नेक्स्ट नीति आयोग ने एक एस इंडेक्स रिलीज किया है नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ एक कैंपेन लॉन्च करी है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान जो कि एक सौ बारह एक्सपिशनल डिस्ट्रिक्ट में चलाई जाएगी और पिरामल ग्रुप जो है उसने डी कंपनी को एक्वायर कर लिया है नेक्स्ट फेसबुक जिसकी ग्रेवेंस ऑफिस बना ऑफ फॉर इंडिया बनाया गया है स्पूर्ति प्रिया को नेक्स्ट नेवल जन ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल चुना गया है राजेश पेंडरकर को नेक्स्ट अजय भजन ग्रैंड प्रेक्स जो कि एफ की एक रेस रेसिंग होती है उसको जीता है सर्जियो पेरोज ने जो कि रेडबुल की गाड़ी चलाते हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया इंडिया में जो भी नेशनल एक्सचेंज होते हैं उसकी मेंबर्स का जो ग्रुप है उसके प्रेसिडेंट चुना गया है के के को नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक ने जो हाल ही में जो लोन दिया है सिक्सटी मिलियन डॉलर दिया नागालैंड को बत्तीस मिलियन डॉलर दिया मिजोरम को एक मिलियन डॉलर दिया है कोलकाता को और जो इंडिया का स्टार प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए लोन दिया है पाँच मिलियन डॉलर और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है डेविड मेलपस जो कि यूएसए के हैं और चीफ इकोनॉमिस्ट है कार्मेड एंड नेक्स्ट वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है 8 जून को इंटरनेशनल मल्टी टाइम का ऑर्गेनाइजेशन का जो हैडक्वार्टर है वो लंदन में और नेशनल मरी टाइम डे होता है 5 अप्रैल को वर्ल्ड मरी टाइम डे होता है 24 सितंबर को नेक्स्ट न्यू दिल्ली ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन कैंपेन नेक्स्ट नागालैंड के फैक्ट्स बताता हूँ नागालैंड को बनाया गया था 1 दिसंबर 1963 को यहाँ के गवर्नर हैं आर एन रवि और यहाँ पे जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो है ओलिंग मोत्सू सेकरो और हॉर्नबिल यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो है मेथोन और नागालैंड के व्यक्ति हैं निकोलो निकलो फॉर्म जिनको वन वर्डले अवार्ड दिया गया इसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं इन्होंने क्या किया था नागालैंड में जो अमूर फाल्कन वर्ड मिलती है उसको प्रोटेक्ट किया था उसको सेव किया था और यहाँ की नेशनल पार्क है वो एंटांगे नेशनल पार्क और यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक सिंगफन है एक फकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रंग पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नागालैंड को लोन दिया वर्ल्ड बैंक ने सिक्सटी मिलियन डॉलर का और नागालैंड ने एक ऐप लॉन्च करी आईलैंड और एक की कॉन्ट वेबसाइट लॉन्च करिए येलो चैन नेक्स्ट एल सेल्वर्डो जिसकी कैपिटल सेलवाडो उसने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर घोषित कर दिया और ये ऐसा करने वाला पहला कंट्री है नेक्स्ट बंदर के एम डी चुना गया है चंद्रशेखर घोष को और बंदर के मैं हेडक्वार्टर है कोलकाता में और उसने उन्होंने लॉन्च किया एक सारी सैलरी अकाउंट नेक्स्ट अनिमय मुक्त भारत इंडेक्स में पहला स्थान किसको मिला है मध्य प्रदेश को फर्स्ट इंटरेस्ट है मेरी टाइम सर्विस क्लस्टर एट गिफ्ट सिटी और ये किसके द्वारा सेटअप किया जाएगा किस एजेंसी द्वारा सेटअप किया जाएगा गुजरात मेरी टाइम बोर्ड के साथ वर्ल्ड आक्रेडिटेशन डे कब होता है नाइन जून को जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जो रिसेंटली किया गया है फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू अचीव एफ हंड्रेड परसेंट वैक्सीनेशन इन अडल्ट पॉपुलेशन अडल्ट की पॉपुलेशन में हंड्रेड परसेंट वैक्सीनेशन होने वाला पहला गांव है वेयान जो कि बांतिपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यहाँ पे एक दो फेस्टिवल मनाए जाते हैं कंचद फेस्टिवल और हैरात फेस्टिवल यहाँ के एक फॉर्मर गवर्नर थे जगमोहन उनकी डेथ हो गई है और उन्होंने दो ऐप लॉन्च करी है हमारी सड़क और तमीर तरक्की तमी ऐप और यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क दक्षिंग नेशनल पार्क और सलीमली नेशनल पार्क और यहाँ पर जो डैम बनाया जा रहा है पंजाब बॉर्डर पर उसका नाम है साबरकंडी डैम और किस नदी पर है, ना, रावी रावी नदी पर और एक यहाँ पेटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें जो कि आठ मेगावाट का और किस नदी पर बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर देते स्कीम लॉन्च करी हरियाणा ने यहाँ पे क्या होगा जो सेवेंटी फाइव ईय से ज़्यादा पुराने ट्री हैं उनको ढाई हज़ार रुपये पर साल दिया जाएगा उनके केयर टेकिंग के लिए और हरियाणा ने ऑक्सीजन लॉन्च करी है उसमें क्या होगा ऑक्सीजन फॉरेस्ट बिल्स किए जाएंगे और ये कहाँ किए जा रहे हैं पंचकुला और करनाल में और पंचकुला पंचकुला में ही चौदह जो खिलुंडिया युद्ध होंगे वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे नेक्स्ट छत्रपति शिवक्की महाराज शिवराज शिवराज अभिषेक दिवस एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की गई है गोवा गवर्नमेंट के द्वारा नेक्स्ट स्कैल्टर मोनल एंड हिमालयन मोनल ये दो बर्ड है वो कांशीन करी गई हैं हाल ही में देखी गई हैं अरुणाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है वो है नामडफा पक्के और कमलांग और यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो है पखुई टाली वैली और ईगल नेस्ट नेक्स्ट जैसे अपना पहला नेवल से बना रहा है इसमें क्या होगा कि वो दिखाई नहीं देगा इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा उसका नाम जो दिया गया है वो है प्रोजेक्ट टू जीरो थ्री एट सिक्स और उसको बोला जा रहा है मरकरी नेवल कॉर्बेट नेक्स्ट ब्रेंडस पर गेट जो इंडिया की और जर्मनी की सेवेंटीथ एनिवर्सरी डिप्लोमेटिक रिलेशन की सेलिब्रेट की गई है उसमें एक पोस्टल स्टैम्प लॉन्च किया है उसमें इंडिया गेट को दिखाया गया है और ब्रांडेड ब्रांडन बर्ग गेट को दिखाया गया है जो कि जर्मनी का है जर्मनी की कैपिटल बर्लिन और करेंसी है यूरो जर्मनी हमारी एम्बेसडर है वो है मुक्ता तोमर और मैड्रिड ओपन हुआ था वो जीता एलेक्जेंडर जेवरेव अलेगजेंडर जैवरेव ने अक्टूबर फेस्ट वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ होता है वो जो कि एक एलगुल फेस्टिवल होता है नामीबिया में एक होमिसाइड हुआ था उसके लिए मालदीव ने सॉरी नविया में एक होमिसाइड हुआ था उसके लिए जर्मनी ने माफ़ी मांगी है और एक इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया जो भी ओस में प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए नेक्स्ट माली के नए मिनिस्टर किसको बनाया गया है चौगल कोकल्ला मैजी मैग माली का नया प्राइमिशियर किसको बनाया गया है चौगल कोकल्ला मैगा और माली की कैपिटल क्या है बमाको नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम लॉन्च की गई राजस्थान में से क्या होगा कि वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फ्री कोचिंग सेंटर्स ओपन किए जाएंगे ऐसी एक स्कीम यूपी में चल रही है यूपी में चल रही है इसमें कि उसको नाम ऐसी ही एक स्कीम यूपी में चल रही है अभ्योध्या योजना उसमें भी फ्री कोचिंग सेंटर्स ओपन किए जाएंगे और स्टेचू ऑफ पीस कहाँ लगा है पाली में और चरण स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ की है राजस्थान की और यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है मियाँ रेलवे स्टेशन उसका नाम चेंज कर दिया गया है उसका नाम रखा है महेश नगर रेलवे स्टेशन नेक्स्ट अब्दुल साहिद जो कि यू के प्रेसिडेंट चुने गए हैं जो कि मालदीव के हैं उनकी चेफ टिकैवनीको बनाया गया है के नागराज नायडू को ये यू में हमारे डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है और जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यू में उनका नाम टी एस त्रिमूर्ति और यू के जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनी गुटोरियस और सेक्रेटरी जनरल कौन है यू एन के रिपैका ग्रीन स्पेन जो कि कोशिया की फर्स्ट वेमन है नेक्स्ट न्यूयॉर्क यार्क फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर किसको दिया गया था अनुपम खेर को और उनकी जो फिल्म थी वो थी हैप्पी हॉलीडे और यूके एशियन फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर किसको दिया गया है तिलोतामा सोमे उनकी जो फिल्म है वो है रागी द वे फेयर और उसको डायरेक्ट किया है गौतम घोष ने बेहतर हैड्रोपावर स्टेशन जो कि चाइना का लार्जेस्ट डैम है वो बनाया जा रहा है और से, जो सेकेंड लार्जेस्ट डैम है उसका नाम है थ्री गॉर्जस्ट डैम आपको चाइना के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ चाइना ने एक सेटेलाइट लॉन्च किया था लॉन्ग मार्च फाइव बी लॉन्स्ट फाइव बी जब जब वापस आ रहा था तो इसमें एक्सप्लोजन हो गया और ये कहाँ पे गिरा मालदीव के पास जाकर चा गिरा चाइना ने एक लूनर मिशन लॉन्च किया है चैंगी फाइव और चाइना ने अपना फाइव जी सिंगल बेस ओपन किया है गनबाला जो कि तबियत में है और चाइना की ऑब्जर्वेटरी लाशा अब्जर, लाहाशाह ऑब्जर्वेटरी उसने गामर इसका पता लगाया है चाइना ने दो न्यूक्रियल प्लांट लगाए हैं एक है जुडापू जुडापू और एक है तियानवेन चाइना का एक एक रोबोट है एन ई ओ जीरो वन रोबोट एन ई ओ जीरो वन रोबोट जो कि स्पेस की जो डाइवरिस होगी डाइवरिस मतलब स्पेस का जो कचरा होगा उसको क्लीन करेगा और चाइना का एक रॉकेट था लॉन्ग मार्च थ्री बी ये लेके गया था फेंग यून फोर बी सेटेलाइट को फेंग यून फोर बी सेटेलाइट को उन्होंने एक दो सेटेलाइट लॉन्च करे हैं एक है हाई युग टू डी हाई टू डी और यावगॉन सेटेलाइट और चाइना ने एक कोविड की दवाई बनाई है एक कोविक साइनोफार्म uh, और चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक दवाई डेवलप करी है पाकवैक नेक्स्ट जगन्नाथ होलो स्कीम लॉन्च की गई आंध्र प्रदेश में इसमें इसमें क्या होगा जो वहाँ के स्मॉल वेंडर्स हैं उनको एक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा टेन थाउजेंड रुपीज़ का नेक्स्ट आर एस टोडी जो कि अमूल के एमडी हैं उन्होंने कन्फर्म किया है कन्फर्ड किया है अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिव चैम्पियन और किसने दिया है एशिया प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि जापान की है और इनको चुना गया है इंटरनेशनल और और इनको चुना गया इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में दिलीप रथ के साथ जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में ब्रुसेल्स में दो ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर और है वन इज वर्ल्ड किस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेकंड वन इज नाटो और एन के चेयरमैन है जो कि गुजरात में है आनंद में आनंद डिस्ट्रिक्ट में उसके चेयरमैन है मिनेश शाह नेक्स्ट टेनिस ओपन टेनिस के चार ओपन खेले जाते हैं पहला होता है साल का ऑस्ट्रेलियन सेकंड होता है फ्रेंच तीसरा होता है वेम्बल्डन चौथा होता है यूएस ओपन फ्रेंच ओपन इस साल का किसने जीता है बारबरक क्रैजिकोवा जो कि चेक कपलिक से हैं उन्होंने हराया था रशिया के जो प्लेयर हैं अनस्थ को और मैन में किसी ने जीता नोवाक जोकोविच ने जो कि सर्बिया के और उन्होंने 19 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं जो फेडरर जो कि स्विट्ज़रलैंड के हैं और नडल स्पेन के हैं उन्होंने बीस ग्रैंड स्लम जीत लिए हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था नोवाक जोकोविच ने जो कि सर्बिया के हैं और नामू यूसाकर ने जीता है जो कि वीमन कैटेगरी में जापान की हैं और कतर ओपन किसने जीता था पेट्रो केतोवा ने जो कि चेक रिपब्लिक की हैं बार्सिल ओपन जीता है राफेल नडाल ने और मैड्रिड ओपन जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव ने जो कि जर्मनी के हैं और अरियाना सेवलंका ने जो कि बेलारूस की हैं माई ओपन हुआ था वो जीता है हबरी हरकलैज ने हरकेज ने जो कि पोलैंड के हैं और बार्टी जो नंबर वन प्लेयर है टेनिस की वो है ऑस्ट्रेलिया की नेक्स्ट पुलिस प्राइज प्राइज पुलिस द प्राइज किसने जीता है मेघा राज ने और ये किस किस को दिया जाता है जर्नलिस्ट को दिया जाता है और ये किस उसके लिए काम करती हैं एजेंसी के लिए ये बस फीड न्यूज एजेंसी के लिए काम करती हैं जो कि यूएस में है और सेकंड को दिया गया है? नील बेदी को जो काम करते हैं तम्बाबे न्यूज टाइम्स न्यूज़पेपर के लिए और पुलिस प्राइज उनको ही दिया जाता है जो अमेरिका के होते हैं नाथ साधना क्लासिकल म्यूजिक क्लब किसने डिज़ाइन करी है संदीप रनाडे ने नेक्स्ट बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोइम एक बुक रिलीज की गई है ये की है विष्णु गुप्ता सेठी ने इस बुक को लिखा है नेक्स्ट इस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाते हैं बारह जून को और इंटरनेशनल एल्मिजम अर्ब अवेयरनेस डे ये कब मनाते हैं थर्टीन जून को और इस साल जो इसका थीम है वो है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑर्ड्स नेक्स्ट कोयटा सेंटर फॉर डिस्टिटल हेल्थ किसने लॉन्च करें आई टी बॉम्बे ने नमस्ते योगा ऐप लॉन्च करी गई है आयुष रिजिजू द्वारा इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अरुणाचल वेस ये लॉन्च की गई थी सेवन इंटरनेशनल योगा डे जब हुआ था तब नमस्ते योगा ऐप लॉन्च की गई थी इंडियर कोवेथ के बीच में साइन किया गया इसमें क्या होगा जो भी डोमेस्टिक वर्कर्स वर्कर्स हैं उनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा और उनको लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करी जाएगी नेक्स्ट समक्कर सागर प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है ये तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है और किस नदी पर बनाया जा रहा है गोदावरी नदी पर नेक्स्ट रहवाई स्कीम जो कि लद्दाख की एक स्कीम है इसमें क्या होगा जो वहाँ के मेरी स्टूडेंट होंगे उनको फाइनल असिस्टेंस दी जाएगी उनको कोचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी इस, आपको लद्दाख के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ जैसे कि माई लाइव एक सेल्फ टेस्टिंग कोविड किट है इसमें आप खुद से ही कोविड की टेस्टिंग कर सकते हैं इसको बनाया पुणे की कंपनी ने और उसका नाम दिया गया कोवी सेल्फ और माई लैब ने अपना मेस्टेक इसको किसको बनाया अक्षय कुमार को पुलिस प्राइज जो कि फिक्शन के लिए दिया जाता है इस कल किसने जीता है लुइस एड्रेस ने और उनका जो नॉवल है वो है द नाइट वॉचमैन लद्दाख की थिक्स मोनिस्ट्री को पहली बार रिपब्लिक डे पर की परेड में दिखाया गया था लद्दाख में नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क और लद्दाख में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बोली जाती है भोती लैंग्वेज लद्दाख में एक रामजा साइट है सोकार लेक और एक लेक और है सो लेक लद्दाख ने एक स्कीम लॉन्च करी थी योन ट योजना इसमें क्या किया था कि जो उन्होंने स्टूडेंट्स को फ्री टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया था नेक्स्ट फॉरन एक्सचेंज रिजर्व में फन नंबर वन कौन है चाइना जिसका रिजर्व है थ्री थर्टी थ्री हंड्रेड बिलियन डॉलर और सेकंड नंबर पर है जापान थर्ड पर है स्विट्जरलैंड फोर्थ पे पर फिफ्थ पर है इंडिया और इंडिया का रिजर्व कितना है सिक्स हंड्रेड बिलियन यू एस डी फॉरन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या आता है गोल्ड आता है यूएसडी आती है मतलब डॉलर्स आते हैं और आता है एस स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो कि आई में रखे गए हैं नेक्स्ट कोर्स पर्सनल लोन किसने लॉन्च किया है एस ने और एस के चेयरमैन कौन है दिनेश खर नेक्स्ट वर्ल्ड बेस्ट बैंक टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर इंडिया ये किसने रिलीज किया है फोर्स मैगजीन ने और इसमें जो फर्स्ट नंबर पे बैंक रखा गया वो डी बी एस सिंगापुर और थर्ड नंबर पे बैंक रहा है आई सी आई सी बैंक फोर्थ नंबर पर रहा है एच डी एफ सी बैंक और पहली गवर्नमेंट बैंक जो इसमें रखी गई है सेवन नंबर पर वो है एस बी आई नेक्स्ट क्यूबा के लिए जो एम्बेसडर चुने गए हैं उनका नाम है एस जानकी रमन और क्यूबा की कैपिटल क्या है हवाना और ट्यूनस की कैपिटल ट्यूनस और ट्यूनिस् में अम्बेसडर चुने गए हैं नगुलकम जैटोम जगगंगटे को नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड ये चुना गया है आर्जन कुमार सिकरी को नेक्स्ट इसरो वेंटिलेशन डिजाइन करे हैं प्राण वायु और स्वास्थ्य एक बुक लिखी गई है होम इन द वर्ल्ड एक इसको लिखा है अमरतन सैन जो कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं नेक्स्ट पहले तो एथलीस्ट जो क्वालिफाई कर गए हैं टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए उनका नाम है अरुणातनवर्ग आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग